हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा पल्लव वाले लहंगे की कटिंग और सिलाई किस तरीके से की जाती है, वो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पल्लव वाले लहंगे की कटिंग के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमारा जो सूट है वो कितने मीटर है, उनके अकॉर्डिंग पल्लव वाले लहंगे की कटिंग की जाती है। जैसे कि हमारा सूट का जो कपड़ा है वो 4 मीटर है और या फिर आपका जो कपड़ा है 5 मीटर है। तो 4 मीटर कपड़ा है तो उसमें 2 या 2.25 पल्ले होंगे और 5 मीटर कपड़े है तो उसमें 3 पल्ले होंगे। ये जो सूट है इसमें 5 मीटर कपड़ा है तो उसमें 3 पल्ले किए हुए हैं। तो ये देखिए, सिंपली ये हमारे 2 पल्ले हो गए और ये तीसरा वाला पल्ला है। तो इसकी कटिंग का सिंपल है फॉर्मूला, जैसे हम कोई भी सूट की कटिंग करते हैं, ये देखिए इस प्रकार से 1/4 में जमाते हैं। इसके बाद हम क्या करना है, जितनी हमें लंबाई है, जैसे कि हमारी लंबाई है 40 इंच, तो हमें 2.5 इंच मगजी और लेपे के लिए कम कर देना है। 37.5 इंच का सिंपली हमें यहाँ पे इंची टेप रख के यहाँ पे मार करके हमें कट कर देना है। इस तरीके से हमें कटिंग की जाती है। इसके बाद हम क्या करना है, हमें 3 पल्ले अलग अलग कट कर देने हैं, 1 और 2 और 3, इस प्रकार से हमें कटिंग कर देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, जो हम देख लेना कि जो मगजी पीछे में बची है वो कितना इंच बची है। नॉर्मली जो सूट में मगजी लगती है वो 1 मीटर मगजी रहती है और आपका जो कपड़ा कम है आपका जैसे कि 35 इंच बचा है तो हमें उससे जो एक पल्ले के अंदर से हमें 4-5 इंच का कपड़ा कट कर देना है और एक लेपे के लिए भी कट कर देना है। सिंपली हमें यहाँ से कट कर देना है जहाँ किनारे की साइड में, इस प्रकार से हमें कट कर देना है। इसके बाद में ये तो हो गई हम कटिंग किस तरीके से करते हैं, अब हम देखेंगे कि इसकी सिलाई किस तरीके से करते हैं। सिंपली हमें क्या करना है, पल्ले को आपस में ऐसे जॉइंट कर देना है और इसके भी साइड से लेपा कट करते हैं वो 3 इंच का कट करना है और एक्स्ट्रा 4-5 इंच और कट कर देना है। और आपका कपड़ा कम है, जैसे कि आपका सूट का जो कपड़ा है वो 4 मीटर ही है तो हमें उसमें 2.25 पल्ले कट करने हैं। पहले हम 2 पल्ले कट कर देने हैं और बाद में हमें क्या करना है, जो बीच में जो मगजी का जो कपड़ा बचता है उसके अंदर से 10 इंच का एक और पल्ला कट कर देना है, इस प्रकार से सेट करना है। और आपका कपड़ा कम बचता है, लगभग आपको 35 या 30 इंच ही बचता है, उसमें हमें 2 पल्ले ही सेट हो गए, इस प्रकार से कटिंग की जाती है। तो सिंपली हमें क्या करना है, ऐसे हमें आपस में ऐसे जॉइंट कर देना है। जब हम स्टार्ट करते हैं तो ऐसे रफू कर देना है, इसके बाद हमें आपस में ऐसे पकड़ते हुए और पीछे हाथ रख देना है, नहीं तो पल्लों में खींचा पाता है, इस प्रकार से हमें जॉइंट कर देना है। ये देखिए, इसके बाद हमें सिंपली यहाँ पे कट लगा देना है इस तरीके से, ताकि जो कलियों में, ताकि जो किनारे टाइट हो उसमें इससे कट लगाएंगे तो वो इस तरीके से खिंचाव नहीं आएगा पल्लों में। ये देखिए, इस प्रकार से ये हमारा जॉइंट लग चुका है। इसी तरीके से मैं दूसरा जो भाग है वो जॉइंट कर लेता हूँ। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से ये हमारा पल्ला जॉइंट हो चुका है, यहाँ पे कट लगा दिया है। इसके बाद हमें सिंपली हमें क्या करना है, इसे ऐसे ले लेना है, तो इस प्रकार से हमें पल्ले को जॉइंट कर देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे ऐसे ओल्टिंग कर देना है, आगे से पहले उल्टे साइड में लेना है और ऊपर का जो भाग है उसको यहाँ पे ऐसे ओल्टिंग कर लेना है थोड़ा सा। उसके बाद में हम सामने वाला भाग है उसका भी हमें ऐसे होल्ड कर ले, होल्डिंग कर देना हमें। इस तरीके से अब हमें क्या करना है, सिंपली देख लेना है कि आपका जो पल्ले है और लेपा कितना लगाना है, इसके अकॉर्डिंग ये जो हमारी प्लेट लगेगी। तो जैसे कि आपका जो पल्ले 3 है तो हमें क्या करना है और उसके अकॉर्डिंग लेपा कितना लगाना है, उसके अकॉर्डिंग हमें प्लेटों को लगाना है। तो जैसे कि इसका जो लेपा लगाना है वो 35 इंच लगाना है और पल्ले 3 है, इसके अकॉर्डिंग जो
प्लेट लगेगी इस प्रकार से, लगाना है सिंपली। एक प्लेट लगाई इतनी, लगभग ये जो प्लेट लगती है वो एक या सवा इंच की लगती है प्लेट, आप बड़ी भी लगा सकते इतनी, पर अच्छी नहीं लगती ये, नॉर्मली ये सही प्लेट है। इसके बाद हमें क्या करना है सिंपली, आपका जो लेपा कम है तो हमें क्या करना है, इतना हमें ऐसे नीचे डाल देना है, ये देखिए इसके अंदर यहाँ तक ये जो प्लेट आएगी अंदर की साइड में, और नहीं तो आपका जो लेपा कम है तो इससे ज़्यादा जाएगी, और इससे आपका लेपा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, जैसे कि 40 है, तो हमें यहाँ पे ये इसके ऊपर नहीं चढ़ेगा, इसके नीचे नहीं जाएगा, इस प्रकार ये ध्यान रखना है। आपके पल्ले कम है, दो पल्ले ही है, हमें क्या करना है, यहाँ पे इसके नीचे नहीं जाएगी प्लेट, ये हमें ध्यान रखनी, सिंपली हमें इतना ही रहेगी, इसके बराबर रहेगी। जैसे कि आपका लेपा 30 इंच है और इससे लेपा आपका ज़्यादा है, तो यहाँ से इतना बीच में गैप रहेगा, यहाँ पे ऐसे प्लेट बॉडी नहीं चढ़ेगी, इसके ऊपर नहीं चढ़ेगी, इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। ये खासियत होती है पल्लवार और पूरे लहंगे में एक समान ही पलल लेपा लगाना। तो मेरे जैसे कि 35 इंच लेपा है, इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसके नीचे आ रहा है प्लेट इस प्रकार से, ये देखिए इतना हमें लगभग इतना 35 इंच लेपा है, इतना हमें ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, जो मेरा पल्ले है वो 3 है इसके अकॉर्डिंग, ये देखिए। और आपसे ये प्लेटें बराबर नहीं लगती तो हमें क्या करना है, इस ट्रिक का भी यूज़ कर सकते हैं, स्केल का, या फिर इस प्रकार से कंघा आता है इसका भी यूज़ ले सकते हैं। सिंपली हमें इस तरीके से पकड़ना है और ऐसे लेना है, ये देखिए, इसके बाद हम काट दें, निकाल देना हमारे, ऐसे भी आप प्लेट लगा देना है, स्केल की मदद से भी आप लगा सकते हैं, ये देखिए इस प्रकार से हमें लेना है, ये देखिए इस तरीके से आप बराबर प्लेट लगा सकते हैं। तो हमें इस तरीके से हमें प्लेट को लगा देना है, सिंपली हमें ऐसे हम लेना है, इसके नीचे की तरफ रखना है ऐसे, तो ये देख इस तरीके से हमने प्लेटों को लगा दिया है, आप देख सकते हैं ये जो हमने इसके ऊपर चढ़ाया है ये इतना है, ये प्लेट के नीचे देख सकते हैं, ये हमें ऊपर से प्लेट लगाई हुई है, इसके पीछे से जो ये आगे वो प्लेट है वो इतना बीच में गैप है, ये देखिए इतना हमें 35 लेपा लगाना है और 3 पल्लों में, और आपका जो पल्ला है 2 ही है या 2.25 है तो हमें उसमें क्या करना है, सिंपली जैसे कि हम प्लेट लगाते हैं इस प्रकार से लगाते हैं, ये देखिए इतना लगाया, इसके बाद आपके 2.25 पल्ला या 2 है तो हमें उसमें ये इतना ही रहेगा, बीच में इतना गैप रह जाएगा, इस प्रकार से लगाना है। और आपके 3 पल्ले है और उसमें जो लेपा लगाना वो 30 इंच है तो उसमें ये थोड़ा ज़्यादा चढ़ेगा इसके ऊपर, इस प्रकार से इतना ऊपर जो पीछे की प्लेट है इसके ऊपर चढ़ेगी, इस प्रकार से यूज करना है। और आपका 3 पल्ले है और लेपा 40 इंच लगाना है तो उसमें ये जो प्लेट है उसके ऊपर नहीं चढ़ेगी, इसके बराबर रहेगी, इस प्रकार से हमें रखना है। ये हमें मेन पल्लू वाले सूट की जब सिलाई करते हैं ये हमें ध्यान रखना है। इस प्रकार से अब हमें क्या करना है, इसका नाप लेना है कि ये हमारा जो प्लेट है वो बराबर लगी है या नहीं है। तो मैंने इसका जो नाप ले लिया है, ये मैंने 35 इंच लगाना था और 35 इंच ही है, तो हमें क्या करना है, आपकी जो लेपा जितना लगाते हैं या कम ज़्यादा हो जाता है तो हमें उसमें क्या करना है, एक प्लेट खोलनी है और इसका जो हमने इसके ऊपर चढ़ाना है वो उसको नहीं चढ़ाना है। इसके बाद में आपका जो लेपा, जैसे कि आपको लेपा 35 लगाना और 33 इंच हो जाता है तो उसमें क्या करना है, इसके ऊपर नहीं चढ़ाना है। और आपका लेपा ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि 36-37 हो जाता है, आपको 35 ही लगाना होता है तो हमें उसमें क्या करना है, इसके ऊपर नीचे और चढ़ा देना है, इसका इस तरीके से हमें यूज़ करना है। अब हमें क्या करना है, इसके लेपा लगाना है। लेपा किस तरीके से लगाता है, नॉर्मली हम लेपा लगाते उसी तरीके से लगाना है, सिंपली पल्ले के साइड से हमें
इस प्रकार से लेपे को निकाल देना है 3 इंच का। इसके बाद में आगे से ऐसे फोल्ड कर देना है इस प्रकार से। इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली इस लेपे को नीचे की तरफ रखना है और पल्लों को ऊपर की तरफ सीधा वाला भाग रखना है, और इसका भी सीधा भाग है। इस प्रकार से हम लगाना है। इस प्रकार से ये हमने लेप को अटैच कर दिया है। अब हमें उसकी ऊपर की सिलाई लगानी है। सब उससे पहले हमें यहाँ पे आगे से फोल्डिंग कर देना है। इस प्रकार से इसके बाद हमें यहाँ से ऐसे फोल्डिंग को कर देना है। सिंपली हमें इसको ऐसे लिया प्रकार से हम यहाँ पे ऐसे सिलाई लगा देंगे। इस प्रकार से हम लेपे को लगाना है। इस प्रकार से ये हमारा लेपा लग चुका है। इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली इन दोनों आपस में भाग को लेना है और कोई धागे इसको हमें कट कर देना है, और ये जो साइड है इसको हम नाप ले लेना है बराबर है या नहीं। इस तरीके से ये जो हमारा साइड एकदम बराबर है, आपकी साइड कम ज़्यादा हो तो हमें यहाँ से कट कर देना है, बराबर कर देना है। तो इस प्रकार से ये हमने लेपा लगा दिया। अब हमें इसमें मगजी लगानी। मगजी बनाने का ऊपर वीडियो आई बटन में एंड स्क्रीन लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से मगजी बना सकते हैं। और ये मेरी ऑलरेडी मगजी बनी हुई है। तो सिंपली हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इस तरीके से अटैच कर देना है मगजी को। ये देखिए इस प्रकार से हमें अटैच कर देना है। गुणे को निकालते हुए मगजी को हमें यहाँ पर अटैच कर देना है। इस प्रकार से हमें अटैच कर देना है। इस प्रकार से हमें मगजी को अटैच कर देना है। इसके बाद एक्स्ट्रा मगजी को कट कर देना है। और अब हमें इसके अंदर मगजी की जो ओटिंग करनी पड़ेगी, इस तरीके से आप सिंपली ऐसे इस तरीके से हमें ओटिंग करना है। इस प्रकार से हमें ओटिंग कर देना। इसके बाद में कुछ इस प्रकार से एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हमें यहाँ से कट कर देना है इस प्रकार से।
अब हमें इसके ऊपर किरचले लगाएंगे। इस प्रकार से हमें लेना है, टाइट पकड़ना है मगजी और दोनों आपस में। ये देखिए, इस प्रकार से हम आपको किरचले लगा देंगे। इस तरीके से अब हमें साइड की सिलाई लगानी है। साइड की लगाने के लिए सबसे पहले हमें दोनों किनारों को आपस में ऐसे ले लेना है, इसे बराबर रख के और आपस में गुणे को ऐसे मिला देना है इस तरीके से। इसके बाद हमें यहाँ पे सिलाई लगा देनी। इस तरीके से इसके बाद हमें यहाँ से ऐसे बराबर रख देना है और यहाँ पे ऐसे कर देना है। यहाँ पे लगभग 3 इंच का यहाँ पे रख देना है इस तरीके से और यहाँ से कट लगा देना है और इसके ऊपर सिलाई लगा देना। इसका मार्जिन कट कर देना। तो ये हमारा पल्लू वाले लहंगे की सिलाई हो चुकी है। इस तरीके से आप आसानी से पल्लू वाले लहंगे की सिलाई कर सकते हैं। आई होप आज का ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।